कर इन्होंने बच्चे निकाले हैं। हुदूद बैठी हुई है ना यहाँ पे, ऐसा ना भाई मेरी आवाज़ सुन के उठ जाइए। तो अभी देख लेता हूँ मैं, हुदूद बैठी है या इसके अंडे रखे हुए हैं जो इसके बच्चे बैठे हुए। ये इधर से दोस्तों, कल जो बजी निकल गई थी ना हमारी, वो इधर से निकल गई थी। एक तो हमें मिल गई थी, लेकिन एक जो है वो भाई उड़ के किसी दूसरे विलेज में चली गई है, जो कि उन्होंने हमें वापस नहीं की। और ये यही रास्ता था जिस दो बजे निकल गई थी, एक तो हमने यहाँ पे दोबारा छोड़ दी थी, और एक येलो कलर वाली भाई किसी दूसरे विलेज में चली गई थी, जो कि हमें पता चला है, लेकिन उन्होंने भाई हमें वापस नहीं दी। तो भाई इसको प्रॉपर तरीके से दोबारा जो है हम बंद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो भाई सोबान भाई ने अभी हमें खबर आगे सुनाई है कि भाई मैंने हुदूद की जगह जो वो देख ली है, और उसका नेस्ट भी देख लिया है, और मैंने उसको बैठते हुए भी उस जगह पे देख लिया। और अभी ये बता रहा था कि अभी बैठी हुई थी भाई। हाँ बैठी हुई थी, अभी भी नेस्ट में बैठी हुई थी। पक्की बात हो यार सोबान भाई, इतनी सफर करके हम चले और आगे जो है वो हमें ना मिले, पक्की बात है, पक्की बात है। तो चलो भाई चलते हैं हम उसी जगह पे और देखते हैं भाई, अगर हुदूद आज बैठी हुई ना तो आज हुदूद को भाई हम पकड़ने वाले हैं, और बस दुआ करें उसका बच्चे भी रखे हुए हैं ना, तो भाई मजा आ जाएगा। आ जाओ भाई जल्दी से आ जाओ। तो विलेज के बाहर वाली साइड पे हम आ चुके हैं, और इधर ना हमें किसी चीज के बच्चों की आवाज आ रही है, ये देखें आप। इधर ही है ये, इस वाली साइड पे यहाँ से आ रही है ना, मुझे भी शक पड़ रहा है, इधर से ही आ रही है जो भी चीज़ है ना यहाँ पे, उसने बच्चे दिए हुए हैं। कहाँ पे? वो बिल्कुल ऊपर। हाँ यार वो देखिए, वो उस तरह के ऊपर जो है घोंसला बना हुआ है, और मुझे लगता है भाई आवाज़ भी उसी जगह पे। नहीं 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 यार, इस घास में से ना किसी चिड़िया के बच्चों की आवाज़ आ रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा, लेकिन यार लड़कों ने जैसे शोर किया ना भाई, वो आवाज़ ही बंद हो गई। अब बड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, लेकिन उन बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे नेस्ट बने हुए होंगे, तो इस वजह से भाई उनकी आवाज़ आ रही थी। लेकिन जैसे भाई लड़कों ने शोर किया ना भाई, बच्चे जो फौरन से ही चुप हो गए। ये देखें बड़ी चिड़ियों की आवाज़ है, लेकिन उनके बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही यार। सर भाई ना वो उस साइड पर गए हुए हैं, अभी तक वो उनकी आवाज़ ढूंढ रहे हैं। ये देखिए भाई, ये तीन चिड़िया ये आके बैठी हुई है। ये देखिए, मुझे लगता है भाई इस वाले घास में ना बहुत सारे चिड़ियों के जो है नेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तीन चार चिड़ियाँ जो आके बैठी हुई हैं, जो कि हमारे वेट में है कि भाई जब ये जाएंगे ना तो फिर हम अपने बच्चों को जो खुराक देने जाएंगे, क्योंकि इनको पता है ये इतनी समझदार होती है, ये हमारे होते हुए भाई नहीं जाएगी उनके पास, क्योंकि हम जो देख लेंगे इनको जाता हुआ, तो इस वजह से भाई हमारे होते हुए नहीं जाएंगी ये। तितली देखिए यार ये बैठी हुई है, बहुत ही प्यारी, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। वो यार वो चली गई, वो देखें येलो कलर में है, बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आई यार, वो भाग गई मुझसे पहले। तो यार जिस मकसद के लिए हम आए यार, हम उस मकसद को छोड़ के किसी और काम में लग गए भाई। सोबान भाई यार आप बताओ ना, हुदूद का कहाँ पे आपने वो नेस्ट देखा है? कहाँ पे? इसके ऊपर है यार वो। एक मिनट, मैं दोस्तों आपको दूसरी साइड से जाके दिखाता हूँ, मुझे भी यहाँ से नजर नहीं आ रहा। हाँ यार ये देखे, वाकई यार ये देखे आप, ये इस जगह पे देख सकते हैं, ये इस जगह पे ये बड़ा सा नेस्ट बना हुआ है, और मुझे लगता है भाई ये वाकई हुदूद का है, क्योंकि हुदूद का जो नेस्ट होता है ना भाई, वो कुछ होती हैं वो जो पत्ते लेके आती हैं, और कुछ जो है वो छोटी छोटी बारीक सी जाली लेके आती हैं, लेकिन भाई ये बिल्कुल लकड़ी के साथ बना हुआ है, और मुझे लगता है भाई ये वाकई हुदूद का ही है। तो कौन जाएगा यार, मैं देख लेता हूँ। नहीं नहीं एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ। नहीं यार मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता, शैतान साहब भाई होते यार वो चले जाते, लेकिन वो अभी उस साइड पे चले गए, तो अभी कौन डरते हैं भाई, कौन जाएगा अब? ये जाएंगे मैं साथ, मैं तो कहता हूँ आप चले जाओ। हाँ आप ऊपर जाओ, और पहले आपने ना ऐसा ऐसा जाना है, अगर हुदूद बैठी हुई होती है तो आपने मुझे आके बताना है, फिर खामोशी से आपने नीचे उतर के आना है, और फिर मैं जाऊँगा नेट ले आऊँगा, तो उसके बाद हम हुदूद को पकड़ लेंगे और उसके बच्चे भी हम उठा लेंगे। पहले आप चेक करके ऊपर चले जाओ, अगर हुदूद बैठी हुई है ना तो मुझे आके बताना है आपने। तो अब किफिल भाई जा रहे हैं इसके ऊपर, यार ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, वरना मैं खुद ही चला जाता। आप चले जाओ यार, मुझे बताओ जरा क्या मैं आ सकता हूँ ऊपर, वरना मैं खुद ही ऊपर आता हूँ यार। मैं चला जाऊँ ऊपर यार? आ जाओ सर भाई, कब से ढूंढ रहे हैं यार आपको, यार कमाल है। आ जाओ आप, आ जाओ यार आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, कब से इंतजार कर, आप कहाँ चले गए थे आप कहाँ चले गए थे? ओए यार, तो अब मैं ऊपर जा रहा हूँ यार, चलो आ जाओ। हाँ भाई यार आधे दरख्त के ऊपर तो मैं चढ़ चुका हूँ, और हवा भी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है भाई, मुझे तो डर लग रहा है यार कहीं नीचे ना गिर जाएं। एक तो भाई दरख्त को बारिश लगी हुई है, और बिल्कुल ये नरम हुआ पड़ा है भाई, जिस भी जगह पे हम पाँव रखते हैं ना भाई वो यहाँ पे टूट जाती है।
तो भी पता नहीं कैसे मैं ऊपर जाता हूँ भाई, ऊपर जाना तो है ना, आप कह दिया तो भाई जाना पड़ेगा हमें। हाँ भाई, हाँ भाई बहुत मुश्किल हो रही है भाई, यार केवल भाई को चेक करें किस तरह ठहरा हुआ है, अभी मुझे ऊपर जाना है भाई, आप तो यहाँ पे हाँ भाई पहुंच गए, मुश्किल हो गई है भाई, पहुंच तो गया हूँ मैं। तो यार हुदूद के नेस्ट के बिल्कुल करीब मैं पहुंच चुका हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ और ये जो है हुदूद के नेस्ट जो वो ठहरा हुआ है। तो पहले यार मुझे याद नहीं रहा, मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ यार, हुदूद बैठी हुई है ना यहाँ पे, ऐसा ना भाई मेरी आवाज़ सुन के उड़ जाएगी। तो अभी देख लेता हूँ मैं कि हुदूद बैठी है या इसके अंडे रखे हुए हैं जो इसके बच्चे बैठे हुए। ओए 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 भाई साहब, यार बहुत तेज हवा है, वो देखो, ओ किफलू भाई साहब, तकरीबन आधा घंटा हो गया भाई, हवा भी यार कम नहीं हो रही भाई, ऐसा लगता है भाई अभी गिर गए हम, अभी गिर गए मैं और केवल भाई, उस टाइम से बैठे हुए हैं बस, अभी यार कोशिश करता हूँ भाई क्या करें, हवा वो देखे आप ऐसे लगता है भाई, कहाँ चले गए यार, ये लोग भी नीचे से चले गए क्या यार, आवाज बोलते करो यार भाई, हमें तो डर लग रहा है। तो यार अभी अभी देख लेते हैं, ऊपर जाता हूँ भाई, यार पता नहीं कहाँ फंस गए आज हम यार, हुदूद के चक्रों में, हुदूद के चक्कर में भाई आज हम फंस गए हैं भाई, जल्दी जल्दी से मैं देख लेता हूँ यार, हवा भी कम हो गई है यार, ये देखे हुदूद के अंडे रखे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हुदूद चली गई है यार यहाँ से, यार हुदूद नहीं देखी भाई आपने, पहले बैठी हुई थी यार, लेकिन अभी हुदूद नहीं बैठी यहाँ पे, ये देखिए इसके अंडे रखे हुए हैं लेकिन हुदूद खुद नहीं बैठी यार, पता नहीं ये कहाँ चली गई यार, इतनी मुश्किल के साथ हम दरख्त के ऊपर चढ़े हैं भाई, जाम की बाजी हमने लगा के ऊंचाई के ऊपर आए हैं और भाई हुदूद यहाँ से चली गई है, ओए ओए बड़ा रिस्क है यार, ये देखें आप ये हुदूद के अंडे यहाँ पे रखे हुए हैं लेकिन हुदूद यहाँ पे नहीं बैठी हुई। तो यार हवा भी बहुत ज्यादा हो चुकी है और हुदूद भी भाई हमें नहीं मिली यार, सिर्फ उसके अंडे मिले हैं, तो मैं कहता हूँ भाई अभी अंडे इसके नहीं उठाते यार, अंडे यहाँ पे रखे रहे, फिर हम तकरीबन कोई एक हफ्ते बाद आएंगे, तो मुझे लगता है कि भाई इसमें से बच्चे जो वो तब बन चुके होंगे, तो अभी भाई अंडों को हम डिस्टर्ब नहीं करते और जल्दी से नीचे उतर जाते हैं भाई, ऐसा ना हुदूद जो अपनी जगह चेंज कर ले फिर इसके अंडे यहाँ पे वेस्ट हो जाए, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, तो इस वजह से भाई जल्दी जल्दी से हम उतर जाते। हवा का दबाव भी अब थोड़ा कम हो चुका है, केवल भाई चलो भाई आप चलोगे पहले, तो मैं आपके भाई एक हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा मेरे ख्याल में, एक हफ्ते बाद इसके बच्चे जो आ जाएंगे। हाँ चलो भाई चलते हैं, बस ये अंडे आपने गिराए हैं या पहले से गिरे हुए हैं? अंडे ऊपर ठीक रखे हुए भाई, वो हैं भी नए अंडे। कितने थे? दो अंडे थे। तो फिर इन्होंने बच्चे निकाले हैं, पुराने अंडे पड़े हैं दो, एक तो ये पड़ा है और एक ये पड़ा है, ये अंडे अंडे के होल पड़े हुए हैं आवाज भाई यहाँ पे। हाँ यार इसका मतलब ये काफी टाइम से बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ ये जो है ना उन्होंने बच्चे निकाल लिए हैं, तो शायद ऐसा ही होगा, दो बच्चे उन्होंने निकाल लिए होंगे, क्योंकि देखो ना दो अंडे टूटे हुए हैं, इसका मतलब है भाई दो बच्चे तो निकल चुके हैं यहाँ से। हाँ दो बच्चे निकल चुके हैं इसके, बाकी दो जो अंडे रहते हैं एक या दो दिन के अंदर अंदर जो है ना बच्चे निकाल लेंगे। नहीं नहीं एक हफ्ता लगेगा, मैंने चेक किया। लेकिन बच्चे नहीं थे क्या ऊपर? बच्चे नहीं थे, बच्चे वो उड़ गए होंगे भाई, अब ये नया उन्होंने सीजन, मेरे ख्याल में नया उनका सीजन स्टार्ट हुआ है, तो इस वजह से भाई नए नए उन्होंने अंडे दिए हुए हैं। अच्छा हाँ, पहले वाले उनके बच्चे जो उड़ गए होंगे। चलो चार पाँच दिन तक देखते हैं फिर दोबारा कर लेंगे। ओके आ जाए। तो यार बड़ी मुश्किल के साथ आज मैं वापस आया भाई, मेरी तौबा है आज के बाद मैं ऐसे दरख्त पे भाई नहीं चढ़ूंगा यार, एक तो ऊंचा दरख्त था, कमजोर इसकी टहनियां थी और ऊपर से हवा का दबाव भाई इतना था कि भाई ऐसे लगता था कि भाई अभी गिर गया, बस अभी गिर गया, बस अभी गिर गया, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाबी के साथ जो है वो वापस आ चुका हूँ। तो यार पैरेट्स के लिए हमने अमरूद भी यहाँ से ले लिए फ्रेश, ये ऊपर से, हाँ मेरे पास भी है भाई पाँच छः, और आप भी ले आए। गुलहरी गए? हाँ गुलहरी, तो भाई गुलहरी भी बड़े शौक से खाते हैं पैरेट्स के दोस्तों, ये बड़े फेवरेट होते हैं ये वाले अमरूद। उम्मीद है कि आज की मन वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आज की मन वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।